केंद्रीय कांगड़ा बैंक की देनदारियों को ना चुकाने की इविज में हमीरपुर के एक निजी पॉलिटेक्निकल कॉलेज को सील कर दिया गया है, जिसका खमियाजा वहां पढ़ने वाले सैकड़ों ही छात्र व छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। कॉलेज छात्रों ने उपायुक्त हमीरपुर राकेश प्रजापति से मिलकर समस्या को हल करने की गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि 2 माह से कॉलेज में ताला लगाया गया है और कक्षाएं एक ही कमरे में 4-4 सेमेस्टर की लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी कक्षाएं नहीं लगाई गई तो छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि मतलब हमारा कॉलेज 9 फरवरी से बंद हुआ है, मतलब केसीसी बैंक का लोन है हमारे एमडी सर के ऊपर, तो एमडी सर ने मतलब हमें ये बता के हमें छुट्टियां दी कि तुम्हें मतलब क्या बोलते शिवरात्रि की छुट्टियां पड़ रही हैं, ना कि हमें ये बता के बोला कि तुम्हारा कॉलेज बंद हो रहा है कुछ दिनों के लिए। तो हमें सीधा कॉलेज में हम गए जैसे 9 तारीख को, तो हमें पता लगा कि मतलब हमें छुट्टियाँ पड़ गई हैं शिवरात्रि की। तो मतलब सर ने बोला कि 15 तारीख को तुम्हारा कॉलेज लगेगा, हम 15 तारीख को आए तो हमें पता लगा कि हमारा कॉलेज सील हो गया, केसीसी बैंक कॉलोनी सील किया हुआ कॉलेज। छात्रों का कहना है कि कॉलेज के एमडी ने करोड़ों का लोन बैंक से लिया हुआ है और इस कारण बैंक ने कॉलेज को सील कर दिया है, जिस कारण अब कक्षाएं भी नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के बिना पढ़ाई भी नहीं हो रही है। हमारे एमडी सर ने बैंक से बहुत सारा लोन लिया है और वो वापस नहीं कर रहे, और फिर अब हमारी क्लासेस भी नहीं हो रही है और हमारे टीचर्स भी चले गए छोड़ के, तो हमारी स्टडी भी नहीं हो रही है और हमारे एग्जाम भी नहीं होंगे शायद से। कॉलेज मतलब ओपन हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब हमारी क्लासेस होंगी तभी हम लोग पढ़ पाएंगे, अगर हमारी स्टडी नहीं होगी तो हम लोग एग्जाम भी कहाँ से देंगे। उपायुक्त राकेश प्रजापति का कहना है कि यह मामला कॉलेज का है और सुंदरनगर डायरेक्टर से बात करके समस्या को हल करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। ये अब जो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन है सुंदरनगर, उनके साथ ये टेकअप किया जाएगा। एक दिवसीय आईटीआई है जो पिछले गत 2-3 महीनों से बंद है, क्योंकि उनका कुछ लोन का इशू था, वो पे नहीं कर पाए इसलिए सील हो रखा है। बट इसमें 150 बच्चों के भविष्य के बारे में ये है, तो इसमें डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन से बात करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गौरतलब है कि शहर के बिल्कुल समीप स्थित इस निजी पॉलिटेक्निकल कॉलेज को सील किए जाने पर सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, क्योंकि 2 महीने बाद वार्षिक परीक्षाएं सिर पर हैं, लेकिन कॉलेज में न तो पूरा स्टाफ है और न ही बैठने के लिए जगह, जिससे छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिस कारण अब छात्रों ने परेशान होकर डीसी से मिलकर समस्या को हल करने की गुहार लगाई है। हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल